हेलो डियर एसपेरेंट्स मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी सीएससी ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेररिज्म के बारे में बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट ऑप्शनल कोर्सेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैव बीन लॉन्च फ्रॉम जोग्राफी टू सोशोलॉजी हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस एंड आई Mathematics and much more. Also, an academy has come up with UPSC CSE batches, fast track and comprehensive batch courses for the year 2022 and 2023, like fast track MCQ course for the year 2022 prelims, mission one year batch course for the year 2023, a set of 20 general studies books curated as per latest trend of upsc are available only with one year and above gsn combo subscription only these books are available in hindi and english medium as per the learners preference the batches are starting from 16th of march 2022 so hurry and enroll in the batch and apply the code arpita10 a r p i t a 10 for more detail you can call on the given number देखिए आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेररिज्म के बारे में देखिए टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो काफी अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती रही है बट इसमें एक मेन फीचर जो रहता ही है वो है टेरर का पार्ट टेररिज्म का जो कोर बिलीफ है जो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चैलेंज के रूप में आता है वो ये है कि टेररिज्म किसी भी कमर्शियल गेंद से नहीं चलता है बल्कि उसका जो मेन फीचर है जो उसका गोल है वो हमेशा ही टेरर को फैलाने का रहता है विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड टू प्रोफोगडा द टर्म टेररिज्म इज वेरी ब्रॉड एंड देयर सो दैट देर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म जैसे अलग अलग लोग हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनकी जो डेफिनेशन है टेररिज्म को लेकर आतंकवाद को लेकर वो अलग अलग है बट यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई टेररिज्म की डेफिनेशन को याद रखना है जिसमें यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जनरली दी टर्म टेररिज्म इंडिकेट्स अ क्रिमिनल एंड एक्टिविटी जो कि किसी ग्रुप द्वारा हो सकती है इंडिविजुअल द्वारा हो सकती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा हो सकती है या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है एक सेटअप हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मेन जो काम है वो है टेरर यानी कि खौफ को आतंकवाद को बढ़ावा देना आतंक को बढ़ावा देना अमंग दी जनरल पब्लिक एंड सेंड मैसेजेस टू दी पब्लिक एंड गवर्नमेंट्स टू फुलफिल अ गोल ऑफ द विक्टिम्स द टेरर एक्ट मे बी अ फ्यू पीपल डिपेंडिंग कि किस तरीके से इवेंट किया जाता है कहां पर टारगेट किया गया है उस पर्टिकुलर टेररिस्ट इवेंट का बट ज्यादातर अब टेररिज्म का कोर लाइन बिलीफ ऑर्गेनाइज क्राइम से जो डिफरेंस इसको प्रोवाइड करता है वो है कि टेररिज्म पैसे के लिए नहीं किया जाता ये पैसे से जुड़ा हुआ हो सकता है एक पहलू हो सकता है पैसा मनी का जो पार्ट है बट टेररिज्म का मेन जो गोल है दैट इज टू स्ट्राइक टेरर अमंग मासेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट द टेररिस्ट पर्पज इज टू सेंड अ स्ट्रांग मैसेज टू द लार्जर पब्लिक एंड टू द गवर्नमेंट जिसमें सरकार का रोल आता है दे जनरली क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कंडक्टिंग अ वॉयेंट एक्ट जिससे कि लोगों के अंदर दहशत आ सके वो डर सके और वो पावर और कैपेबिलिटी को ज्यादा समझ पाए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा पावर या कैपेबिलिटी है इन रिगार्ड्स विद वैट ऑफ द गवर्नमेंट और इसी टेरर के गोल पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं अब अगर यूएन की डेफिनेशन को देखा जाए यूनाइटेड नेशंस ने एज पर uh, जो टेररिज्म को लेकर जो डेफिनेशन दी है इट इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू प्रवोक अ स्टेट ऑफ टेरर इन द जनरल पब्लिक ग्रुप ऑफ पर्सनस और अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर पर्टिकुलर पर्पसेज इन एनी सर्कमस्टांस जो कि जस्टिफाइबल नहीं होते हैं ज़्यादातर और एक ही इनका सेंट्रल लाइन प्रोपोगेंडा रहता है जो कि पॉलिटिकल हो सकता है फिलोसॉफिकल हो सकता है आइडियोलॉजिकल हो सकता है रेशियल एथनिक या इवन रिलीजियस भी होता है और एनी अदर नेचर दैट मे बी इन्वोव्ड टू जस्टिफाई देम यानी कि यहाँ पर आप एक फीचर को देख सकते हैं दैट इज़ दर रैशनैलिटी टेररिस्ट एक्टिविटीज जब भी होती हैं उनका बेसिस जो है वो किसी ना किसी तरीके का एंटी रैशनल बिहेवियर होता है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सम पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल रेशियल एथनिक और रिलीजियस नेचर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जो टेररिज्म को डेफिनेशन दी है दैट इज टेररिज्म मीन्स प्री मेडिटेटेड टिकली मोटिवेटेड वॉयेंस पर नॉन कॉम्बेटेंट टारगेट्स कौन होते हैं ज्यादातर सिविलियंस बाय सब नेशनल ग्रुप्स और क्लैंडस्टाइन एजेंट्स अब देखिए यहां पर जब बात करी जाती है सब नेशनल ग्रुप्स या प्री मेडिएटेड मोटिवेटेड वॉयेंस ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज ज्यादातर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स द्वारा होती हैं जिसमें हर एक स्टेप पहले से ही सोचा समझा तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है 2002 में यूरोपियन यूनियन ने भी टेररिज्म की एक डेफिनेशन दी इन टू थाउजेंड टू दूरोपियन यूनियन डिस्क्राइब टेररिज्म एज हैविंग द एम ऑफ डिस्टेबिलाईजिंग और डिस्ट्रॉइंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ़ अ कंट्री आप यहाँ पर अगर आप शब्दों पर ध्यान दें फंडामेंटल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स में सारी जो कॉमन बातें हैं वो सरकार को लेकर आती है यानी कि टेररिस्ट का टारगेट होता है सरकार को डिस्टेबलाइज करना और एनारकल ऑर्डर को रिस्टोर करना so देखिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं इनमें काफी सब तरीके से वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज आ सकती हैं जिसमें तीन चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं टेररिस्ट का हमेशा से ही एक प्रोपोगेंडा होता है कि वो जो सिविलियंस हैं जो नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं जो नॉर्मल जनता है उसमें खौफ को यानी कि फियर को जनरेट कर पाएं सेकंड होता है क्रिएट पब्लिसिटी फॉर देयर गोल्स एंड कॉजेज और इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई अटैक होता है उसकी बाद में uh, ज़रूर लेते हैं terrorist organizations groups, चाहे across the world, कहीं पर भी हुआ हो। और और है इसी की वजह से लोगों का जो भरोसा है जो ट्रस्ट है जिसके बेसिस पर फंडामेंटल ऑफ द लैंड की वजह से स्टेट क्राफ्ट का निर्माण होता है और फिर सरकार का निर्माण होता है उससे उस ट्रस्ट को छीनना चाहते हैं टेररिस्ट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल जनता और अगर वो ट्रस्टी सरकार में नहीं रहेगा और लोगों को लगेगा कि सरकार में शक्ति नहीं है या शक्तिहीन हो चुकी है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज और बड़े लेवल पर हो सकती हैं और प्रोपोगेंडा को और लोगों को बेचा जा सकता है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है टेररिस्ट एंड और टेररिस्ट ग्रुप्स इंगेज इन रैंडम किलिंग्स इसमें असैसिनेशन भी आ सकते हैं आ, बड़े लोगों का एसेसिनेशन आ सकता है बड़े इन देंस दे जो डोमिनस शरारकी में काफ़ी ऊपर के ऊपर के लेवल पर हैं किलिंग्स आ सकती हैं इसमें एक इनका जो प्री मेडिटेड अटैक होते हैं यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट करना पब्लिक प्लेसेस पर नॉन कॉम्बिटेंट लोगों पर जिनके पास हथियार नहीं हैं उनको हॉस्टेज बनाना सुसाइड अटैक्स करवाना किडनेपिंग्स एक्सटॉर्शन पब्लिक प्रॉपर्टी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना इनफैक्ट हाईजैकिंग और साइबर अटैक्स जैसी समस्या जो भी हैं वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती हैं इसमें भी तीन लेवल पर काम किया जा सकता है तीन से चार लेवल पर जिसमें केमिकल आ सकता है बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड इवन न्यूक्लियर वॉरफेयर वन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट मेनी टेरर ग्रुप्स आल्सो एंगेज इन एन आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट्स और ये आर्म्ड इंसर्जेंसी काफ़ी छोटे छोटे यूनिट ग्रुप्स में बनाकर की जाती है यानी कि एक सेंट्रल लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा टेररिस्ट ग्रुप का और उनके छोटे छोटे यूनिट्स होंगे सब यूनिट्स होंगे जो कि सरकार को बार बार सरकार के खिलाफ आर्म्ड इंसर्जेंसी अक्रॉस अलग अलग जगहों पर लाते रहेंगे

वो अपना काम करते हैं उनका मैकेनिज्म सारा पॉलिटिकली लिंक्ड होता है नॉट फ्रॉम एनी रिलीजन परस्पेक्टिव इसीलिए चाहे कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जैसे मान लीजिए जो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें भी रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप जो रशिया की साइड है यूक्रेन के बॉर्डर पर रहते हैं लेकिन रहते यूक्रेन में ही हैं वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल टेरर ग्रुप्स के नाम से जाने जाएंगे इसी तरीके से अगर आ, कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहती है कम्युनिटी और उनमें से कुछ सेपरेटिस्ट लोग एक साथ आकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो वो भी पॉलिटिकल टेरर ग्रुप्स होंगे पॉलिटिकल टेरर ग्रुप्स में आपको याद रही रखना है कि हमेशा पॉलिटिकल टेरर ग्रुप्स एक पॉलिटिकल मोटिव की वजह से ड्रिवन होते हैं नॉट फ्रॉम एनी कमर्शियल गेन और नॉट इवन फ्रॉम एनी रिलीजन और उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी बट हाउ एवर टेरर अलग अलग तरीके से भी काम करता है काफी ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होते हैं नॉट रिलीजियस ग्रुप्स बट रिलीजियस आइडियोलॉजी से भी जो डिपेंड करता है अक्रॉस द वर्ल्ड नो मेनी अदर ग्रुप्स ऑफ टेरर एग्जिस्ट सोलली फॉर मेकिंग इलिसिट मनी एंड एक्सपेंडिंग देयर ओन इीगल क्रिमिनल एम्पायर्स और ये वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और प्रॉपर जो टेररिज्म है उसके ग्रे एरिया में फॉल करते हैं मेनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम आर ऑल्सो लेबल्ड एज टेररिस्ट ग्रुप्स। बट आपको याद रखना है कि सारे टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड नहीं है बट कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज क्राइम से डेफिनेटली रिलेटेड हैं जो कि इलिसिट मनी मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं बट सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज क्राइम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते आप देखिए समझते हैं कि टेररिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है ये शब्द आया कहाँ से देखिए इसमें जो शब्द है टेरो दैट मींस टेरर को यानी कि आई फ्राइटन इसका मतलब है और इसको सबसे पहली बार रेन ऑफ टेरर में यूज किया गया था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलता है मैनी पीपल मेनी हिस्टोरियंस ऑल्सो साइड द आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड जो कि 1858 से 1924 के समय में रहा एज दी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मॉडर्न टेररिस्ट टेक्निक्स को यूज किया अब बात करते हैं कि टेररिज्म के भी कौन कौन से टाइप्स हैं देखिए वैसे टेररिज्म को बहुत अलग अलग लेवल पर अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है बट अगर हम क्लासिफाई करते हैं टेररिज्म को ब्रॉडली तो पहला पार्ट आता है डिसेंट टेररिज्म का असल में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकार के खिलाफ काम करते हैं बागी की तरह काम करते हैं रेबल्स की तरह काम करते हैं जैसे एल श्रीलंका में था उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि या तो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग होते हैं एक्सट्रीम राइट विंग होते हैं राइट right विंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्सट्रीमली हाइपर नेशनलिस्ट टेंडेंसीज या स्टेट को ही सब कुछ मानते हैं एक्सट्रीम तरीके से अगर हो जाता है लेफ्ट विंग वो जो स्टेट की प्रेजेंस को ही नहीं मानते इन दी स्टेट क्राफ्ट और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप तो ऐसे ग्रुप्स जो एक्सट्रीम तरीके से राइट विंग हो चुके हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो चुके हैं और उसके बाद वो अब चाहते हैं टेरर को फैलाना और अपने आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स उनकी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि वो या तो बिल्कुल लेफ्टिस्ट हो चुके हैं या राइटिस्ट हो चुके हैं और वो आ, नहीं समझ पा रहे हैं रियलिटी को ऑफ द स्पेक्ट्रम देन दे आर नोन एज द लेफ्ट विंग और राइट विंग टेररिज्म उसके बाद आता है रिलीजियस टेररिज्म विच इज द टेरर ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडियोलॉजीज जिसमें आइसिस आ सकता है उसके बाद क्रिमिनल टेररिज्म द टेरर ग्रुप्स एंगेज इन टेरर एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट एंड टेररिज्म कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इसमें साइबर टेररिज्म आ सकता है बायो टेररिज्म भी आ सकता है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया जाता है ज्यादातर एक और टर्म्स को भी आप देखेंगे कि न्यूज में मैगजीन्स में आती है इसका नाम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब इसका मतलब को समझते हैं देखिये जो क्रॉ बॉर्डर टेररिज्म है इट इज इट हैपन्स वन दी ऑफ वन कंट्रीज यूज टू क्रिएट टेर और एंगेज इन टेररिज्म अगेंस्ट इट्स नेबरिंग कंट्रीज ज़्यादातर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन देशों द्वारा यूज़ किया जाता है जहाँ पर प्रॉपर मिलिट्री सेटअप इतनी कैपेसिटी का डेवलप नहीं होता है इसलिए वो किसी तरीके की प्रॉक्सी वॉर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वाया यूजिंग सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंडिया को आप देखेंगे एज ए विक्टिम समटाइम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जहां पर ज़्यादातर पाकिस्तानी जो सरकार है उसके द्वारा इंडायरेक्टली या डायरेक्टली फंड किया जाता है सम टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि इंडिया में आकर नॉर्मल जनता को नॉन कॉम्पिटेंट जो सिटीजन्स हैं जो सिविलियंस हैं उनको परेशान करते हैं अब बात करते हैं व्हाट आर दी फैक्टर्स जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतना बढ़ता है देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि जब भी बॉर्डर जो हैं किसी भी देश के वो पोरस होते हैं और केवल इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्ट में नहीं ये आपको अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलेगा जहां पर भी बॉर्डर्स काफी पोरस होंगे तो दूसरा देश सामने वाले देश से अगर उनका वो एलाय नहीं है या उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं उस केस में वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंपोजिंग देयर ओन आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस बिकॉज जब भी बॉर्डर्स पोरस नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे ऐसी समस्या आएगी इंडिया बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ हर नेबर्स कैन नॉट बी फिजिकली सील्ड और वायर्ड बिकॉज जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है चाहे वो ट्रांस हिमालयन रीजन हो एंड अदर फैक्टर्स एज वेल सो इसी बात का फायदा ये टेरर ग्रुप्स उठाते हैं और ये टेरर ग्रुप्स की फंडिंग जो है वो ज़्यादातर स्टेट दूसरे कंट्री के स्टेट के द्वारा या राजतंत्र के द्वारा की जाती है जिससे इन्फिल्ट्रेशन होता है इन टेरर ग्रुप्स का हाउएवर इंडिया में आप देखेंगे कि अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं बिकॉज पोरस बॉर्डर्स का जो पार्ट है इसको लेकर काफी सुधार किया जा रहा है एक और बड़ा फैक्टर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में आता है सपोर्ट फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स इंडिया group which विद पाकिस्तान लेटर सपोर्ट provided दीज financial support funds फंड्स मनी वेपन्स training ट्रेनिंग the establishment in Pakistan ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो एक्चुअल जेनाइसिस होता है एग्जिस्टेंस होती है वो दूसरे देश की सरकार द्वारा ही की जाती है अब देखिए जो फैक्टर एक और आता है वो आता है इंटरनल सपोर्ट का भी मेनी अर टाइम्स दीज टेररिस्ट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम दी लोकल पॉपुलेशन एज वेल नॉट जस्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ अन कंट्री बट आल्सो फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन और इसका जो कारण है लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट मिलने का दू, दूसरी जगह के जो टेररिस्ट हैं तो जो एक देश में जाकर तबाही मचाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण आता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस मॉनिटरी कमर्शियल गेन भी हो सकता है एथनिक एफिनिटी भी हो सकता है या फिर एक पॉलिटिकल फियर को बढ़ाने का कारण भी हो सकता है फिर एक और बड़ा कारण और फैक्टर जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में दैट इज करप्ट ऑफिशियल्स अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफिशियल्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री कैन अबेड टेररिस्ट एंड अलाउ देयर इलीगल एंट्री फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज प्योरली फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और कमर्शियल गेन्स तो ये थे कुछ फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर हम इंडिया के केस में बात करते हैं इंडिया हेज़ फेस्ड टेररिज्म फ्रॉम सेशनिस्ट्स इन कश्मीर द नॉर्थ ईस्ट एंड टू एन एक्सटेंट इन पंजाब फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रमिस्ट ग्रुप्स इन द सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल एंड साउथ सेंट्रल इंडिया इसीलिए यह कहना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कभी इंडिया में हुई नहीं ये गलत होगा इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन द वर्ल्ड और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वाज़ द सेवेंथ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन 2018 एंड इट रिपोर्टेड दैट फ्रॉम 2001 टिल 2018 थाउजेंड एटीन ऑलमोस्ट जो सत्रह साल का ये पीरियड रहा है मोर देन एट थाउजेंड पीपल है जो कि बहुत बड़ा नंबर है प्लस जब हम बात करते हैं स्टेट के लेवल पर या यूनियन टेरिटरी के लेवल पर या रीजन वाइज तो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है दैट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द कंट्री और सबसे उस बड़ा उसका कारण है सेशनिस्ट एक्टिविटीज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दो ने भी भारत को सातवें रैंक पर रखा इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म एंड इट वॉज आफ्टर दी सिक्स अटैक्स ऑन मुंबई By terrorist groups that the government formed the NIA or the National Investigation Agency. अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं हाल ही के कुछ सालों में तो टेररिज्म एक्टिविटीज को कम करने पर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और फंड्स को भी एलोकेट किया गया है इंडिया स्ट्राइंग टू तो पुश अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन दैट इज कॉल्ड एज दी कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जिससे कि काउंटर टेररिज्म को बढ़ाया जा सके सिंस द लेट नाइन्टीज प्लस इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी एक सदस्य है एफ का भी एक सदस्य है विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बनाती है इस लेवल पर कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग ना हो पाए फाइनेंसिंग ना हो पाए इसलिए आप देखेंगे कि एफ से रिलेटेड जो न्यूज है वो समाचार पत्रों में मैगजीन्स में आपको देखने को मिलेगी जब भी पाकिस्तान से रिलेटेड और एफ एफ से रिलेटेड कोई खबर आती है इसको आपको याद रखना है इंडिया हैज़ ऑल्सो अ नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजेंसीज लाइक रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आई बी एटसेट्रा जिसमें एन आई ए भी है विच आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग टेररिज्म एमिनेटिंग बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द कंट्री अब इसीलिए आप देखेंगे कि स्पेशली ट्वेंटी सिक्स इलेवन के बाद से इंडिया में जो एक्टिविटीज़ हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो काफ़ी कम हुई हैं ज ऑल्सो द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड भी जिसको बोला जाता है जिसके पास एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है विच कनेक्ट देश ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू गैदर इंक्लूसिव पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस डेट कैन बी एक्सेड बाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया और ये नेट ग्रिड की वजह से बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर होता है देशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एन एस जी इज अ पैरामिलिट्री फोर्स दैट इज ऑल्सो प्राइमरी रिस्पॉसिबल फॉर काउंटरिज्म एंड एंटी हाईजेकिंग ऑपरेशन ईवन ट्वेंटी सिक्स इलेवन में भी एन एस जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सो दिस वॉज ऑल फोर टूडे एज फार एज टेररिज्म ऑफ टेररिज्म इन इंडिया और उसको हमने किस तरीके से काउंटर एक्ट अप किया है मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में अन अकेडमी लेट्स क्रैकेट